हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। इट इंक्लूड्स अ एक्सेसरी पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद डक्ट्स ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो सबसे पहले आता है इसमें टेस्टिस। मेल में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रॉटम में होता है। स्क्रॉटम टेस्टिस में लो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी होता है। एडल्ट में प्रत्येक टेस्टिस ओवल शेप का होता है, जिसकी लेंथ लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस में डेंस कवरिंग मिलती है। प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक लोब में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, जो स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स 2 टाइप की सेल से लाइंड होती है, जिन्हें हम मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल कहते हैं। इनमें से मेल जर्म सेल माइटोटिक डिवीजन में जाती है और स्पर्म फॉर्मेशन को लीड करती है, और सर्टोली सेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाहर के रीजन को इंटरस्टियल स्पेस कहा जाता है, जिसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स और लीडिंग सेल्स होती हैं। लीडिंग सेल्स सिंथेसिस और टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन का सेक्रेशन करती हैं। इसके अलावा यहाँ इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल मौजूद होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेल एक्सेसरी डक्ट। इंक्लूड रेटेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस। टेस्टिस में मौजूद सेमिनिफेरस ट्यूबुल रेटेड टेस्टिस के थ्रू वासा इफ्रेंसिया में खुलता है। इसके बाद वासा इफ्रेंसिया टेस्टिस को छोड़ देता है और सीधे एपिडिडाइमस में खुलता है, जो टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर होता है। एपिडिडाइमस वास डिफरेंस में खुलता है, जो आगे चल करके एब्डोमन कैविटी में जाता है और यूरिनरी ब्लैडर के पास लूप बनाता है, और सेमिनल वेसिकल से होते हुए यूरेथ्रा में एज अ इजैकुलेटरी डक्ट खुलता है। ये डक्ट टेस्टिस से प्राप्त स्पर्म का स्टोर और यूरेथ्रा के थ्रू उन्हें बाहर निकालता है। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए पेनिस के थ्रू गुजरता हुआ एक एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसे कि यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, में खुलता है। इसके बाद अब नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस को कहा जाता है। पेनिस जो होता है स्पेशल टिश्यू का बना होता है, जो उसे इरेक्शन में हेल्प करता है ताकि इंसेमिनेशन हो सके। इरेक्शियल टिश्यू जो होता है वो कॉर्पस स्पॉन्जोसियम और कॉर्पस कैवलोसा से बना होता है। पेनिस का जो इनलार्ज एंड होता है वो ग्लैंड पेनिस कहलाता है, जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर होता है, जिसे कि फोरस्किन कहा जाता है। इसके बाद आते हैं लास्ट मेल एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड। इंक्लूड 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, जो 60% होता है, अ प्रोस्टेट और अपेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल। ये सभी आपस में मिलकर के सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं। सेमिनल प्लाज्मा में फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम मिलते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशन जो होता है पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। थैंक यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।